baby dumb. कुत्तों से बात नहीं करते। अन्ना के जैसा चश्मा लगा के ती मिला के सही हो हमर गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा आप सबने अपने स्क्रीन पे वीडियो को देखा, ये वीडियो भी रील्स पर काफी ट्रेंडिंग में चल रही है और आप भी अगर इस टाइप की वीडियो बनाते हैं तो आपकी भी वीडियो वायरल हो सकती है। तो मेरा भाई इस वीडियो को बनाने के लिए आपको चाहिए एक वीपीएन ऐप, तो यहाँ पर आप वीपीएन ऐप को कनेक्ट कर लीजिएगा अगर आप हमारी वीडियो को इंडिया कंट्री से देख रहे हैं तो। उसके बाद गाइज आपको सेकंड ऐप चाहिए कैपकट, तो कैपकट एप्लीकेशन को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। कैपकट ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस यहां पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि आपको वीडियो को शूट कैसे करना है। तो यहां पर आप पहले फटाफट वीडियो को देख लीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो को शूट किया, तो यहां पर मैंने लेफ्ट साइड में मैं खड़ा हो गया और राइट साइड मेरा पूरा पूरा स्पेस है। तो आपको कुछ इस तरह से ऐसा ही वीडियो को शूट करना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका कैमरा एंगल जो है बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। आप एक जगह पर कैमरे को सेट कर दीजिएगा तो आपको उसी जगह पर दूसरा वीडियो को भी शूट कर लेना है राइट साइड खड़े होकर। एक मैंने लेफ्ट साइड में किया एंड सेकंड वाला जो सॉन्ग का लाइन होता है वो मैं यहां पे भोजपुरी वाला लिपसिंग कर रहा हूं, तो वो मैं राइट साइड खड़ा होकर लिपसिंग कर लिया हूं। एंड सेकंड गाइस आपको यहां पर थर्ड वीडियो जो आपको होगा तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से यहां पे शूट कर लेना। आप यहां पे देख लीजिए, तो आपको यहां पर मैं नॉर्मली बैठा हूं एंड सिंपली यहां पर जो हमारे बीच में एक फनी कॉमेडी सा जो आता है केक लेकर ऐसा जो भी है तो वो चीज यहां पर मैं बोल रहा हूं, तो आपको यहां पर कर लेना है। बस गाइस आपको एक चीज का ध्यान रखना कि आपका कैमरा का एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, आपका कैमरा हिलना नहीं चाहिए। बाकी गाइस आपको इस वीडियो को पहले ऐड कर लेना जो हमने पहले वीडियो को रिकॉर्ड किया था। तो यहां पर मैंने इस फर्स्ट वीडियो को पहले ऐड कर लिया है एंड सिंपली गाइस इसको ऐड करने के बाद आपको वीडियो को लास्ट में चले जाना है। तो यहां पर आप स्लाइड करेंगे तो सिंपली यहां पर आपको कैपकट का लोगो दिखेगा, इसको डिलीट करके आपको वीडियो को स्टार्टिंग में आना है। यहां से आपको साउंड ऑफ कर देना है। साउंड ऑफ करने के बाद गाइस आपको यहां पर ऐड ऑडियो पे क्लिक करके नीचे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने उस वीडियो को ऐड करना है जिसमें आपको फुल सॉन्ग है। तो यहां से मैं सिंपली साउंड को ऐड कर देता हूं। साउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेरा जो सॉन्ग है यहां पर मैं देख ले तो मेरा पूरा परफेक्ट है। एंड अगर आपको आगे पीछे होता तो आप मैच कर लीजिएगा। बाकी आपको ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। ऐड ओवरले पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहां पर अपने दूसरे वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहां पर मैं सेकंड वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूं। अभी हमारा यहां पर सेकंड वीडियो ऐड हो चुका है। तो अभी क्या करना है गाइस, आपको वीडियो को थोड़ा सा छोटा करना है एंड सिंपली आप जैसे ही यहां पर स्लाइड करेंगे नीचे तो यहां पर गाइस आपको दिखेगा एक मास्क का ऑप्शन। तो मास्क वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सिंपली गाइस आपको फर्स्ट नंबर पे हॉरिजॉन्टल एक दिखेगा, तो यहां पर आपको इसको टैप करने के बाद दोनों फिंगर से आपको इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आप नीचे वाले एरो को थोड़ा सा नीचे खींचेगा और इसके मिडिल पॉइंट को आपको बिल्कुल बीच में रख लेना है, बाकी आपको नीचे से टिक कर देना है। तो देखते हैं यहां पर हमारा एक वीडियो बीच में ऐड हो गया और जैसे देख रहे हैं आप बिल्कुल डबल रोल वाली वीडियो यहां पर लग रही है और यहां पर कितना परफेक्ट लग रहा है गाइस। तो यहां पर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो हिलनी नहीं चाहिए और आपका बैकग्राउंड जो होगा उसको आपको प्लेन रखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है क्योंकि हमारी जो थर्ड वाली वीडियो होगी उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो क्या करते हैं गाइस, अभी हम अपने वीडियो को थोड़ा थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। आप दे भी सकते हो, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, बट मैं थोड़ा सा स्पेस दे दिया हूं। वापस से आपको ऐड ओवरले पे क्लिक करके यहां से आपको थर्ड वीडियो को ऐड कर लेना है। थर्ड वीडियो हमारा ऐड हो चुका है गाइस। अब आपको क्या करना है, यहां नीचे स्लाइड करेंगे तो यहां पर आपको कटआउट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहां पे आपको एक मैजिक बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बैकग्राउंड पे रिमूव करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और यहां पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहां पे 100% होता है तो हमारा बिल्कुल
प्रॉपर तरीके से हमारा बैकग्राउंड जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस हमारा लुक का बैकग्राउंड जो है पूरा रिमूव हो चुका है। तो अब क्या करना है गाइस, आपको थोड़ा सा इसको बीच में जूम करके यहाँ पे सेट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, बट देख रहे हैं हमारे टी शर्ट पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए गाइस आपको क्या करना है, अपने नीचे बीच की जो वीडियो है इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपको नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा मास्क का ऑप्शन। मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे स्क्वायर वाला सेलेक्ट करके आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। ज़्यादा मत करिएगा वरना आपकी वीडियो कट जाएगी। आप बस नॉर्मल से यहाँ पे थोड़ा सा बस स्क्रॉप करिएगा एंड क्रॉप करने के बाद आपको बस यहाँ से टिक कर देना है। अभी देख सकते हैं हमारा ब्लैक ब्लैक जो हमारा नॉइज आ रहा था वो बिल्कुल यहाँ पे रिमूव हो गया है और हमारा 3 वीडियो ऐड हो गया है। तो अभी क्या करते हैं गाइस, इसमें इफेक्ट लगाएंगे, बट अगर अभी मैं इसमें इफेक्ट लगाऊंगा तो हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें इफेक्ट लगाने के लिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसको एक बार एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, अगर आप एक बार एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपकी वीडियो जो है इसमें परफेक्टली यहाँ इफेक्ट लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने किसी एक वीडियो पर टैप करके थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिससे हमारी वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे कलर एडजस्ट करना है, किसी एक वीडियो पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर नॉर्मल से इंक्रीज कर लीजिएगा विग्नेट वगैरह को एंड नीचे से आपको अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन दिखेगा तो आप नीचे से अप्लाई टू ऑल जरूर से कर दीजिएगा वरना आपकी वीडियो के फिल्टर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया और हमारे फिल्टर सभी सेम हो चुका है। तो अभी क्या करना है गाइस, आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना है। तो इफेक्ट ऐड करने से पहले आपको ऊपर क्वालिटी पे क्लिक करके इसको फुल एचडी में यहां से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक बार मैं यहां से एक्सपोर्ट कर लेता हूं, जैसे हमारी वीडियो यानी एक बार एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपको सेकंड टाइम गाइस इसी वीडियो को ऐड करना है जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया है। तो सिंपली हमारा यहां पे एक्सपोर्ट हो चुका है और एक्सपोर्ट हो जाते ही गाइस आपको यहां पे सिंपली ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा है, तो डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको इसी वीडियो को ऐड करना है जो अभी आपने कैपकट एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट किया है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और देख रहे हो हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट में जाके यहाँ से आपको कैपकट का लोगो डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अपनी वीडियो पे टैप करके चले जाना है गाइस इसके फिल्टर पे। तो यहाँ पे हम फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ पर गाइस आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप किसी एक फिल्टर को यूज कर लीजिएगा, अच्छा फिल्टर जो आपके वीडियो पर अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं एक फिल्टर सजेस्ट कर देता हूँ तो आप देख लीजिएगा आपके वीडियो के अकॉर्डिंग। तो सिंपली यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 फिल्टर जो दिख रहे हैं, ये फिल्टर इसमें से आप कोई सा भी फिल्टर है यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। बाकी इसके एडजस्ट में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर एडजस्ट करेंगे, शार्पनेस को भी आपको इसको इंक्रीज कर लेना है 100 एंड विग्नेट को नॉर्मल से इंक्रीज कर लेते हैं। इतना करने के बाद गाइस अब क्या करते हैं, चलते हैं वीडियो इफेक्ट पर। तो वीडियो इफेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे गाइस आपको एक ब्लर वाला इफेक्ट दिखेगा। तो सिंपली आप इस ब्लर वाले इफेक्ट को नंबर 1 पे जो आपको दिख रहा है ट्रेंडिंग में, यहां से ये वाला ऐड कर लीजिएगा। ये वाला इफेक्ट आपको कैपकट प्रो एप्लीकेशन में मिलेगा, ओल्ड वर्जन में नहीं मिलेगा, कैपकट प्रो में मिलेगा। तो कैपकट प्रो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। यहां पे नहीं दे सकता, यहां पर प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूं कि अगर आपको कैपकट एप्लीकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कैपकट का प्रो वर्जन मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस अभी क्या करते हैं, जहां पे हमारी बीट आती है, जहां से हमारा सॉन्ग चेंज होता है भोजपुरी वाला, तो वहां पर आपको वीडियो को रोक के बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड सिंपली बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक ट्रेंडिंग में दिखेगा नंबर 1 पे इफेक्ट, तो ये वाला इफेक्ट आप लगा लीजिएगा क्योंकि ये वाला इफेक्ट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर लिया, एडजस्ट में क्लिक करके थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, जितना आपको चाहिए रेंज वगैरह, मतलब अपना इंटरेस्टिंग जितना आपको चाहिए वो यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो रोकना है जहाँ से हमारा बीट स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा थर्ड वीडियो का लाइन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको लाइट वाला इफेक्ट बहुत सारा मिलेगा। तो यहाँ सिंपली आपको जो अच्छा लगे यहाँ से ऐड कर
लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से मैं जो ऐड कर रहा हूँ तो आप वो करेंगे तो आपकी वीडियो और अच्छी लगेगी। तो सिंपली यहाँ से मैं शेक वाला इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। शेक वाला इफेक्ट ऐड कर लेने के बाद गाइस आप देख सकते हैं हमारा शेक इफेक्ट लग गया है। एंड सिंपली गाइस अभी क्या करते हैं, हमारे वीडियो यहाँ पे आते स्टार्टिंग में एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से चले जाते हैं हम लोग नाइट क्लब में, या आपको नेचर में चले जाना है। नेचर में आप जाएंगे, यहाँ पर गाइस दिख रहा है आपको एक स्मोक वाला इफेक्ट, तो रेड वाला स्मोक इफेक्ट आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ये ऐड करने से क्या होगा कि आपके नीचे के जो आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है आपका, थोड़ा थोड़ा अगर वहाँ पे आपका बॉडी कट रही होगी तो ये हमारा जो इफेक्ट है वो सारा कवर कर देगा। तो इसको आपको वीडियो के बिल्कुल एंड तक कर रख लेना है इस इफेक्ट को। बाकी आपकी वीडियो पूरी बनकर रेडी है, आपको इसको एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है फुल HD में, फिर दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो बनके कैसे रेडी हुई है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी है और कितना ज्यादा औसम लग रहा है। और ये वीडियो गाइस आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ऐसी वीडियो कैसे बनानी है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपके भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो से एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।